नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। चार नए श्रम कानून लागू होने के लिए तैयार है, बस सरकार की ओर से प्रभावी तारीख का इंतजार है। लागू होने का इंतजार ये कानून नियोक्ता और कर्मचारी श्रमिक दोनों के लिए कई बदलाव लाएंगे। श्रम कानूनों में से एक में कहा गया है कि एक कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक पेड लीव जमा नहीं कर सकता है। यदि कर्मचारी के किसी कारण संचित भुगतान छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक हो जाती है तो कंपनी को अतिरिक्त छुट्टी के लिए भुगतान करना होगा। इस मामले में कर्मचारी का अर्थ उन श्रमिकों से है जो प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी पदों पर नहीं है। वन इंडिया हिंदी से कांग्रेस विधायक के नेता शकील अहमद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा सांसद बेगूसराय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह के घर से 1.25 करोड़ रुपए निकले थे, वह किसके थे? आज तक गिरिराज सिंह ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। गिरिराज सिंह सवाल पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्या सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने के लिए ही उनकी जुबान खुलती है? व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बुधवार को फिर से कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और इसलिए उनके इस सप्ताह के G20 शिखर सम्मेलन की योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीद है कि वह कल भारत की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान बाइडेन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर अगले 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित सत्रों में हिस्सा लेंगे और बाद में वह वियतनाम की यात्रा करेंगे। G20 के डिनर निमंत्रण पत्र पर राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अगर खुद को अलायंस फॉर बेटरमेंट हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो भारत कहने लगे तो शायद सत्तारूढ़ पक्ष नाम बदलने का घटिया खेल बंद कर दे। थरूर ने मंगलवार को भी कहा था कि भारत को भारत कहने में कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 6 सितंबर शाम को दिल्ली से रवाना होने के बाद अगले दिन 7 सितंबर को आज सुबह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए हैं। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं होटल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से इंतजार कर रहे प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस बार इंडोनेशिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। OMG 2 की सफलता के बाद अब अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, जो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल पर आधारित होने वाली है। बुधवार को अक्षय कुमार ने एक मोशन पोस्टर शेयर किया है। पहले ये फिल्म कैप्सूल गिल के नाम रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर बाद में मेकर्स ने इसे द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू नाम दिया था। हालांकि अब ये नाम भी बदल दिया गया है। फिल्म का नया नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू है। मोशन पोस्टर जारी करने के साथ साथ अक्षय कुमार ने ये भी जानकारी दी कि 7 सितंबर को इस फिल्म का टीजर आएगा। अक्षय कुमार की इस फिल्म का नाम भारत इंडिया विवाद के बीच बदला गया है। बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया गया था। इस दौरान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर चली लाठी को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में इस मामले को लेकर लोकसभा विशेषाधिकार समिति की ओर से बिहार के DGP RS भट्टी समेत 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया। इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार और आचार शाखा की ओर से पत्र जारी कर दी गई है। ऐसे में अब 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे DGP समेत 7 अधिकारियों को मौजूद रहना होगा। G20 सम्मेलन के लिए भारत आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़ा बयान दिया है। सुनक ने कहा है कि उन्हें अपने भारतीय कनेक्शन पर गर्व है। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा कि साल 2023 भारत के लिए उपलब्धियां वाला वर्ष और पीएम मोदी के साथ होने वाली मुलाकात में वह उनसे वैश्विक चुनौतियों एवं उनसे निपटने में भारत ब्रिटेन की भूमि पर की चर्चा करेंगे। सुनक ने समाचार एजेंसी PTI को दिए साक्षात्कार में ये बातें कही। G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत की तरफ से किए जा रहे प्रयासों के साथ ब्रिटेन मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा। पिछले कुछ दिन से देश भर में एक ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अपने देश को इंडिया के नाम के बजाय भारत के नाम से जाना जाएगा। वहीं अब इस पर जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक्स अकाउंट पर रोड आइलैंड USA के गवर्नर श्री डैनियल जे मैकिक का पुराना पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में गवर्नर ने भारत की विशेषताओं का वर्णन किया था और भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बताते हुए घोषणा की। ये पोस्ट 15 अगस्त 2022 का है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए विवेक ने कैप्शन में लिखा, रोड आइलैंड USA के गवर्नर श्री डैनियल जे मैकिक की इस उद्घोषणा पर एक नजर डालें। अगर आप भी एबॉट कंपनी की एंटासीड डाइजीन जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द रोक दें, क्योंकि DCGI ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस दवाई का उपयोग करना तुरंत बंद कर दें। DCGI ने सभी डॉक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने मरीजों को सावधानी से दवा लिखें और लोगों को बताएं कि एबॉट के एंटासीड डाइजीन जेल दवा का उपयोग बंद कर दें। अगर वे इस दवा की खुराक ले रहे हैं तो उन पर किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करें।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि साक्ष्यों के बावजूद वैश्विक आतंकियों को काली सूची में डालने के प्रस्तावों में अड़ंगा लगाना अनुचित है। भारतीय प्रतिनिधि ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना कोई औचित्य बताए प्रस्ताव को रोकने से दोहरेपन की बू आती है, इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली व उसकी विश्वसनीयता पर आंच आती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और सूची में नाम डालने और हटाने की कार्यवाही राजनीति पर नहीं होनी चाहिए। देश का नाम बदलने की चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य जगहों पर भी हो रही है। अब एक ट्वीट कर दावा किया गया है कि जब से देश का नाम बदलने की चर्चा शुरू हुई है तब से पाकिस्तान इंडिया के नाम पर दावा ठोक रहा है। इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे वीरेंद्र सहवाग ने भी प्रतिक्रिया दी है। साउथ एशिया इंडेक्स नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, यदि भारत संयुक्त राष्ट्र स्तर पर आधिकारिक तौर पर इसकी मान्यता रद्द कर देता है तो पाकिस्तान भारत नाम पर दावा कर सकता है। पाकिस्तान में राष्ट्रवादियों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि नाम पर पाकिस्तान का अधिकार है क्योंकि यह सिंधु क्षेत्र को संदर्भित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की G20 में शामिल होने भारत की यात्रा से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अमेरिकी बादाम, दाल और अन्य जरूरी चीजों पर लगने वाला टैरिफ घटा दिया है। सरकार के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि बादाम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होता है और भारत कैलिफोर्निया बादाम का सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में जब बादाम से टैरिफ घटा दिया गया है तो भारत में अमेरिकी बादाम और भी सस्ता हो सकता है। चंद्रयान 3 के बाद अब भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की सेल्फी और तस्वीर ली है। इसकी जानकारी इसरो ने एक वीडियो शेयर कर दी है। आदित्य L1 की तरफ से भेजे गए वीडियो में अंतरिक्ष से पृथ्वी और चंद्रमा का नजारा बेहद अद्भुत दिख रहा है। वीडियो और तस्वीरों में धरती और चंद्रमा एक दूसरे के बेहद दूर दिखाई दे रहे हैं। धरती बड़ी तो चांद छोटे आकार का दिख रहा है। भारत का पहला UPI ATM बीते दिन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया। इसे व्हाइट लेबल ATM के रूप में शुरू किया गया। इससे बिना किसी परेशानी के कैश निकाला जा सकेगा। वहीं फिजिकल ATM ले जाने की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगा जो कुछ बैंकों के ग्राहकों को QR बेस्ड कैशलेस विड्रॉल्स का आनंद लेने की अनुमति देगा। कनाडा के जिस स्कूल में खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की योजना बनाई थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। दरअसल इस योजना को रोकने के पीछे केंद्रीय खुफिया एजेंसी की सफल रणनीति बताई जा रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में चर्चाएं इस बात की हो रही है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नों ने जिस तरह खून खराबे वाले पोस्टरों समेत AK-47 जैसे असलहों का इस्तेमाल किया उससे इस संगठन के खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय सरकार और जिम्मेदारों को भी आड़े हाथों लिया। अयोध्या अब एक बार फिर विश्व भर के लिए नजीर बनेगी। रामनगरी 32,000 करोड़ से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब बनने का तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही यहां मंदिरों का एक अनूठा संग्रहालय भी बनने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के प्राचीन मंदिरों की झलक दिखेगी। सरकार का लक्ष्य अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का है। अयोध्या को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद PM नरेंद्र मोदी की नजर अयोध्या की विकास योजनाओं पर है। अखंड भारत को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत बड़ा बयान दिए हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले आपको अखंड भारत के दर्शन हो जाएंगे। अब कई ऐसे देश हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये सारे वो देश हैं जिन्हें अखंड भारत का हिस्सा माना जाता है। मोहन भागवत ने कहा कि मैं नहीं जानता कि अखंड भारत कब तक बनेगा, उसके लिए मुझे ग्रह ज्योतिष देखना पड़ेगा। मैं तो असल में जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर आपके मन में ठान लिया है तो अखंड भारत बनाना है तो जब आप तक बूढ़े होंगे वो सपना भी जरूर पूरा हो जाएगा। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 को संबोधित करते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले कि भारत में 2011 में 35% वयस्क आबादी का बैंक अकाउंट था। 2021 में यह बढ़कर 78% हो गया। देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। UIDAI अब तक 135 करोड़ आधार कार्ड जारी कर चुकी है। भारत में मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 2014 में 7 करोड़ से बढ़कर 2022 में 80 करोड़ हो गई है। 2014 में डिजिटल ट्रांजेक्शन 1.2 बिलियन थी जो 2022 में 91 बिलियन हो गई है। उन्होंने कहा कि देश से विकास की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ के जलवायु मॉनिटर ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2023 के मानव इतिहास में सबसे गर्म साल रहने की संभावना है। उत्तरी गोलार्धी गर्मियों के दौरान दुनिया भर बेहद भीषण गर्मी दर्ज की गई। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेतावनी दी है कि विनाशकारी मौसम शुरू हो गया है जो कि आगे और मुश्किलें बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट में कहा है कि जून जुलाई और अगस्त में औसत वैश्विक तापमान 16.77 डिग्री सेल्सियस था जो पिछले 2019 के 16.48 डिग्री के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। मोदी सरकार इस बार महंगाई को लेकर काफी अलर्ट दिख रही है। त्योहारी सीजन में प्याज और दालों की कीमतें बढ़ने की आशंका थी, इसलिए उसने सक्रियता दिखाते हुए पहले ही बाजार में सस्ती प्याज और दाल उतार दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली NCR के लिए 75 मोबाइल वैन को रवाना किया है। इन मोबाइल वैन में आम जनता को 55 रुपये किलो चना दाल और 25 रुपये किलो प्याज मिलेगा। लोगों को सस्ते में प्याज और दाल उपलब्ध कराने वाली इन वैन का संचालन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी।
गो फर्स्ट एयरलाइंस की चार्टर्ड फ्लाइट बंद होने से भारतीय सेना के लेह और उसके आसपास तैनात सैनिकों को आवाजाही में दिक्कत लगातार बढ़ रही है। गो फर्स्ट की चार्टर्ड फ्लाइट 4 महीने से ज्यादा वक्त से बंद है। भारतीय सेना ने अब गो फर्स्ट पर पेनल्टी भी लगाई है। सेना अपने सैनिकों को छुट्टी पर भेजने या छुट्टी से वापस आने के लिए ऑफिशियल चार्टर्ड फ्लाइट की सर्विस का इस्तेमाल करती थी। इससे सैनिक 2 से 3 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे, लेकिन मई की शुरुआत से ही यह सर्विस बंद है, जिससे लेह में तैनात ज्यादातर सैनिकों को सड़क के रास्ते आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसमें 6 से 7 दिन का वक्त लग रहा है। भारत में मौत की सजा का सामना कर रहे एक ब्रिटानी नागरिक के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के 70 से अधिक सांसद ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से दखल देने की अपील की है। इन सांसदों ने ऋषि सुनक से अपील की है कि वो G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगतार सिंह जोहल की फौरन रिहाई पर बात करें। उनका कहना है कि जगतार सिंह जोहल को भारत में पक्षपातपूर्ण तरीके से 5 सालों से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। केंद्र ने पड़ोसी तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे एक विशाल बांध से संभावित खतरों का सामना करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर एक बड़ा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है। सीएम पेमा खांडू ने बुधवार को विधानसभा में ये बात कही। कांग्रेस के लोम्बो तायंग द्वारा शुरू की गई शून्यकाल चर्चा का जब जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन ने अपनी 4वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तिब्बत में 60,000 मेगावाट का बांध बनाने का फैसला किया है। इसका प्रभाव अरुणाचल और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी महसूस किया जाएगा। क्षेत्र में खतरे को लेकर सरकारी स्तर पर और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ कई दौर की चर्चा हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस समिट में भारत विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों के सामने अपने डिजिटल ताकत को दिखाएगा, जिसमें आधार और UPI के साथ साथ गीता एप्लीकेशन के जरिए गीता का ज्ञान दिया जाएगा। इसके अलावा भारत 9 सितंबर को एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें विदेशी लीडर्स के साथ साथ पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, देश की सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शामिल हो सकते हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 500 लोगों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमंत्रण भेजा है। मणिपुर में बीते कुछ महीनों से तनावपूर्ण स्थिति हुई है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बावजूद शांति कायम नहीं हो पा रही। बुधवार को एक बार माहौल बिगड़ गया। विष्णुपुर जिले के ओइनम में कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर आ गए। पुलिस और अन्य केंद्रीय बलों को जवानों की आवाजाही को रोकने के लिए भीड़ दोपहर 2:30 बजे के आसपास एक सड़क के बीच में बैठ गए। सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हादसे में 40 लोग घायल हो गए। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 22 राज्यों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट देते हुए बताया है कि अगले 24 घंटे में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम और भारी बारिश संभव है। मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार, पूर्वोत्तर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और हिमालय में हल्की बारिश हो सकती है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5 सितंबर को एक वीडियो शेयर किया गया, जिसने कई लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी श्रीमती डी धनालक्ष्मी को दिखाया गया है, जो समुदाय की सेवा करने के लिए अपने कर्तव्य से ऊपर उठती हैं। वीडियो में वह हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में टोली चौकी फ्लाईओवर के पास एक नाली को साफ करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करती देखी जा सकती है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने की बात को लेकर बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी। जब तक भक्त जीवित है, कोई भी हमारे धर्म और आस्था को चुनौती नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को COVID-19 महामारी के बाद नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का आह्वान किया। मोदी ने कहा, COVID-19 महामारी के बाद नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था विकसित करना और मानव कल्याण के लिए सभी का प्रयास हम सभी के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा। वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के बावजूद हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हुई है। हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाप हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मोहम्मद फहीम, मेहमा शर्मा, शोभा कुमारी, रविशंकर, रूपेश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, पिंटू कुमार, अर्जुन राम, नौशद अंसारी, प्रवीण कृष्णा, ओवैस सबरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।